आप सभी को स्वागत है आरुषि ब्लॉग पर। आप लोग कैसे, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रही है और हमारी ओर से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम लोग खाना ना खाकर रेडी हैं और इधर दोस्तों आरुषि और बाबू को देखिए, इन लोग पानी ला रही है अभी। उधर देखिए बाबू को बाल्टी में पानी ला रहा है। तो आरुषि और बाबू पानी ला रहे थे नहाने के लिए, तो इन लोग नहा गए हैं और अभी दोपहर का मौसम है, हम भी नहा कर रेडी हैं। और अभी पानी, अभी बारिश हो रहा है, हवा और बारिश चल रहा है। दादा जी मेरा मक्के सब गिर गया है और उधर जो बड़ा मक्के है, बड़ा बड़ा सा, वो सब गिरा नहीं है ज़मीन पे, वो सब खड़े ही हैं। और उधर देखिए दोस्तों, जो हम लोग चाल बनाए थे लकड़ी का, वो चाल पूरा गिर गया है, पूरा सब गिर गया है। हम लोग का बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन भर लगेगा फूल को बनाने में हम लोग को। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद बारिश हो रहा है। अभी बारिश छूटने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, नहीं तो छूट गया बारिश, हल्का हल्का सा पड़ रहा है अभी। और उधर देखिए पूरा बारी भर गया है पानी से। और या भाई हम लोग कुछ दिन आराम करेंगे क्योंकि नहीं तो थक जाते थे हम लोग पानी भर के पटाते पटाते। लगभग हम लोग सुबह शाम पटाते थे 10-15 बाल्टी रोज लाते थे। इस डब्बा जो ये डब्बा दिख रहा है उसी डब्बे पर हम लोग लाते थे रोज सुबह शाम का, पूरा थक जाते थे पटाते पटाते। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, ये मक्के जो ज़मीन पर गिर गया है उसको थोड़ा उठाना पड़ेगा। और उधर जो चाल जो गिरा हुआ है लकड़ी का, उसको भी थोड़ा, उसको भी खड़ा कर देंगे। तो अब कुछ दिन अच्छा लगेगा, बारिश क्यों पड़ा, बारिश पड़ा है ना तो ठंडा लगेगा, नहीं तो एकदम पूरा इतना धूप था तो कि कहना ही नहीं है, एकदम धूप से पूरा परेशान आदमी हो जाते थे। लेकिन अब बारिश पड़ गई है तो कुछ दिन अच्छा ही लगेगा, उतना गर्मी का एहसास नहीं लगेगा अभी। बहुत पहले कड़वी धूप चल रहा था लेकिन अभी बारिश पड़ गया आज तो अच्छा लगेगा। और उधर देखिए परी डांस कर रही है, क्या कर रहे रे? तो अभी बाबू चल गया है उधर बारी की तरफ देखने के लिए, कटहर गिरा है उसको लेने के लिए गया है। और इधर आरुषि गुट्टी खेल रही है, पढ़ने लिखना के तो है ये नहीं है, खाली गुट्टी, खाली गुट्टी इन लोग को। दोस्तों अभी पानी छूट गया है और बाबू गया था कटहल उधर बिछने के लिए, आंधी चल रहा था तो वो कटहल बिछने के लिए गया था। तो अभी खड़ा हो गया, अभी जा रहा है वो, देखिए कटहल गिरा हुआ था और अभी लेके आ रहा है। और है रे, और है वो एक ठो और है, अभी फिर जाएगा लेने के लिए एक ठो और। दोस्तों कटहल गिरा हुआ था तो ज़मीन पे गिरा है तो देखिए इसमें बालू वालू मतलब लटक गया है, लग गया है, आंधी से गिरा हुआ था। पक्का कटहल है दोस्तों? पक्का नहीं है रे, कच्चा है। और ये कच्चा कटहल है, अरे पैरों साइड करो, फिर इसी को खाएगा तू। ये दोस्तों पूरा पानी से भर गया है। और इधर लौकी है और उधर जो दिख रहा है वो भिंडी है। तो अगर आप लोग की तरफ भी पानी पड़ा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे घर तरफ बहुत पानी पड़ा है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग रखते हैं, अगर थोड़ा सा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।